हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेलो सर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कॉलम में स्टील बार का वेट कैसे ज्ञात कीजिएगा। मान लीजिए आप फर्स्ट ग्राउंड का बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कॉलम आपका दिया हुआ है, तो कॉलम में हम स्टील बार कितना लगेगा साधारण विधि द्वारा देखेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एवं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हम जो कॉलम दे रहे हैं चार रड यूज किए हैं। एक कॉलम में आपका जो रड है चार रड यूज किया है, वह रड जो है आपका 12 mm का है, ठीक है। तो हम इसका यानी 10 कॉलम इस टाइप का मेरे पास है। कॉलम नंबर कितना है आपका? 10 कॉलम रहे आपका। तो 10 कॉलम में चार रड हम यूज कर रहे हैं एक कॉलम में, तो उसका टोटल वेट हम साधारण विधि द्वारा देखेंगे। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो हम जानते हैं कि एक आपका जो वन स्टील बार जो होता है, वन स्टील बार का लेंथ जो होता है, स्टील बार का जो लेंथ होता है वो आपका 12 मीटर होता है, और इसका जो रनिंग लेंथ होता है, रनिंग लेंथ कहने का मतलब है कि जितना हम रड यूज करते हैं तो उसको दो टुकड़ा में काटा जाता है, जिसमें आपका एक टुकड़ा 6 मीटर का आता है। तो रनिंग लेंथ जो हुआ आपका, रनिंग लेंथ आपका 6 मीटर का रहता है। और हम जो कॉलम यूज कर, जो डाया यूज कर रहे हैं, डाया मेरा कितना का है? 12 mm का है। डाया जो है 12 mm का, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 10। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 10, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 10। तो हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे पहले कि एक कॉलम में मेरा स्टील बार कितना लग रहा है। तो टोटल स्टील बार ये वन कॉलम, तो वन कॉलम में मेरा कितना लगेगा? तो हम देख रहे हैं कि एक कॉलम में आपका चार रड लग रहा है, एक रड आपका 6 मीटर का लगेगा, तो इसमें कितना यानी एक बार में आपका दो आ जाएगा, यानी टोटल इसमें लगेगा आपका 6 गुने कितना कीजिए 4, यानी एक कॉलम के लिए आपका हुआ। अब हमको 10 कॉलम के लिए निकालना है, यानी 10 कॉलम के लिए। तो 10 कॉलम के लिए कितना स्टील बार लगेगा आपका? हो जाएगा 6 गुने 4 गुने 10, इतना मीटर आ जाएगा, यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा 6 × 24, यानी 240 मीटर। हम यहाँ जनरल विधि द्वारा देख रहे हैं 10 कॉलम में टोटल लेंथ जो है स्टील बार का वो 240 मीटर है। तो अब 240 मीटर लेंथ है, तो हम इसको इजी तरीका से फार्मूला द्वारा इसका वेट ज्ञात कर लेंगे। तो आप वेट बराबर जानते हैं, वेट ऑफ स्टील बार, तो वेट ऑफ स्टील बार बराबर आप जानते हैं कि डी स्क्वायर इंटू रनिंग लेंथ, यानी रनिंग लेंथ मेरा कितना है, रनिंग लेंथ अब बट्टे में क्या 162। नेक्स्ट हम इसका आगे देखेंगे। तो यहां पे डी स्क्वायर जो है वो डाया है, डाया मेरा हम कितना यूज किया है 12 mm का यूज किया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका वेट बराबर आपका हो जाएगा डी स्क्वायर, यानी 12 की स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर एल, यानी रनिंग लेंथ मेरा जो है 10 कॉलम के लिए वो कितना है 240 मीटर, यानी 240 अब बट्टे में कितना है 162। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद ये आपका जो डाटा है आ जाता है 213.3 kg। यानी हम देख रहे हैं कि 10 कॉलम हमको बनाना है, तो 10 कॉलम में और एक कॉलम में आपको चार रड यूज करना है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि टोटल जो स्टील बार का वेट आएगा वो आपका 213.3।